जमुना टाउनशिप में विगत कई माह से पेयजल संकट गहराते जा रहा है। सिविल विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पेयजल की अव्यवस्था बनी हुई है। यदि हम ACTL जमुना कोतमा क्षेत्र में जमुना टाउनशिप की बात करें तो काफ़ी समय से वहां पर पेयजल व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त था। उसी पेयजल व्यवस्था की कमी को दूर करने के लिए सिविल विभाग ने लगभग 1 करोड़ के बजट से लतार गांव की ओर जाने वाले पूर्व समय पर खुले हुए OCM में, जहां की काफ़ी मात्रा में पानी का भंडारण है, वहां से पाइपलाइन बिछाकर जमुना फिल्टर तक पानी लाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस पूरे कार्य में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, लेकिन वह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सवाल यह उठता है कि यदि इतने बड़े राशि का उपयोग केवल पेयजल व्यवस्था के लिए किया गया था तो वह इतनी जल्दी ही खत्म कैसे हो गया। इसी चीज़ को लेकर जमुना कोतमा क्षेत्र में स्थित सैमसंग HMS उस अव्यवस्था को लेकर, उस मापदंड को लेकर 26 मार्च से आंदोलन की राह पर उतरने की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि 1 करोड़ की राशि आखिर इस तरह से अव्यवस्थित क्यों की गई। उसके बाद हालांकि जमुना कोतमा क्षेत्र के सिविल विभाग ने मुर्धवा में एक अंडरग्राउंड बोर से पानी की व्यवस्था कर जमुना फिल्टर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी नियमित रूप से कालडी कर्मचारियों को प्रतिदिन पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसके चलते कालडी श्रमिक काफ़ी दुखी हैं।